This is second lecture of the chapter Heat and Temperature for class 7. Already the concept of temperature is given. Temperature is generally measured in three scales: Celsius scale, Kelvin scale and Fahrenheit scale, and the relation is also given. So now I am going to discuss about classification of what? Thermometer. Mainly there are three types of thermometer is found. Okay, the first one is mercury thermometer. It is the oldest one. In 1714, Gabriel Fahrenheit invented the first mercury thermometer. Okay, so mercury is used in thermometer because of following reason. Very, very important. So first reason is it remains in the liquid state for a wide range of temperature. The mercury ko na लिक्विड स्टेट में मिलता है बहुत लॉन्ग रेंज टेम्परेचर में, क्योंकि मर्करी का अंदर थर्मोमीटर के अंदर तो मर्करी होता है, लिक्विड स्टेट में होता है. मर्करी इज द ओनली मेटल व्हिच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट. तो उसका रेंज होता है -38 डिग्री टू 356 डिग्री सेल्सियस. अभी देखो यहाँ पे अपर टेम्परेचर लेवल बहुत हाई है, 356. हम लोग जनरली इतना हाई टेम्परेचर मेजर करना नहीं पड़ता है, लेबोरेटरी में थोड़ा जरूरत होता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ना जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इतना हाई टेम्परेचर जरूरत नहीं होता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, लो टेम्परेचर मेजर करना 38 तक ही मेजर होगा मैक्सिमम. ओके, सो इसका एडवांटेज है हाई टेम्परेचर, ज्यादा हाई टेम्परेचर तक मेजर कर सकते हैं, लो में से -38 डिग्री उससे कम हम लोग मेजर नहीं कर सकते. सेकेंड एडवांटेज है इट इज इजी टू सी ड्यू टू सिल्वरी ग्रे कलर. जैसे हम लोग थर्मोमीटर ट्यूब में वी कैन सी हाउ मच द मर्करी इज राइजेस, सो उससे देखे पता करते हैं कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है, तो दिखाई देता है बहुत अच्छा से कलर का वाइज. द थर्ड पॉइंट इज इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास, बिकॉज मर्करी मेटल है तो इसमें चिपक नहीं जाता है. मर्करी का ये एडवांटेज है नहीं चिपकता है, ठीक है, स्टिक नहीं होता है. द फोर्थ पॉइंट इज फ्लेक्सिबल विथ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब ना ये काफी टेम्परेचर तक, काफी लो टेम्परेचर तक क्या होता है आपका लिक्विड स्टेट में होता है, यानी कंप्रेशन एक्सपांशन भी बहुत इजिली हो जाता है. ओके, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल. ओके, दीज आर द फोर एडवांटेज ऑफ व्हाट, मर्करी थर्मोमीटर. ओके, नेक्स्ट वन इज एल्कोहल थर्मोमीटर. एल्कोहल थर्मोमीटर का दो एडवांटेज है कंपेयर टू व्हाट, मर्करी थर्मोमीटर. द फर्स्ट वन इज एल्कोहल जो है ना बहुत सस्ता होता है, चिपर होता है, बहुत कम दाम होता है. मर्करी थर्मोमीटर का दाम थोड़ा ज्यादा होता है, एल्कोहल थर्मोमीटर का दाम थोड़ा कम होता है. एंड लेस हार्मफुल देन मर्करी. ओके, एल्कोहल हार्मफुल नहीं होता है. द नेक्स्ट वन इज इट कैन मेजर वेरी लो टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे इन दिस केस इन मर्करी थर्मोमीटर द मिनिमम टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड is -38.87 degree Celsius, but with the help of alcohol thermometer we can measure up to -115 degree Celsius, very low temperature. हम लोग बहुत low temperature measure कर सकते हैं, ये important point. And the next one is disadvantage. जैसे alcohol thermometer का disadvantage क्या है, problem क्या है? Problem है high temperature ज्यादा measure नहीं कर सकते, only 78 degree up to 78 डिग्री सेल्सियस कैन बी मेजर्ड, है ना. इसका एडवांटेज क्या है, हाई टेम्परेचर, मतलब मर्करी का हाई, वी कैन मेजर हाई टेम्परेचर, हियर वी कैन मेजर वेरी वेरी लो टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ आवर एल्कोहल थर्मोमीटर. नेक्स्ट वन इज डिजिटल थर्मोमीटर. जनरली ना नाउ इट इज डिजिटल थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर. हम लोग बुखार वगैरह होने से ना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए वी यूज द व्हाट, डिजिटल थर्मोमीटर. एंड ओके, बट नॉट हियर एल्कोहल और मर्करी इज नॉट यूज्ड. एक थर्मिस्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप आगे तक पढ़ोगे थर्मिस्टर. इसका अंदर में जो करंट है ना, करंट कितना पास होगा दैट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है. तो टेम्परेचर अगर कम है तो करंट भी कम होगा, तो आपका टेम्परेचर लेवल भी बहुत कम दिखाएगा. सो मतलब टेम्परेचर से कॉन्ट्रिक्ट होगा आपका बॉडी का. अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो करंट ज्यादा पास होगा, तो आपका डिस्प्ले में ज्यादा दिखाएगा.
ओके गेट द पॉइंट. सो बट ना टेम्परेचर, हाउ मच टेम्परेचर इज देयर दैट इज डिस्प्लेड इन एलसीटी. एलसीटी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीटी, एलसीटी जो टीवी में होता है एलसीटी. ओके सो एलसीटी डिस्प्ले होता है, जहां पे डिस्प्ले होता है हाउ मच टेम्परेचर इज देयर इन द बॉडी. ओके सो वहां पे एक इंपॉर्टेंट है जो कि थर्मिस्टर जो करंट से चलता है, करंट इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट थ्री टाइप ऑफ व्हाट, थ्री टाइप ऑफ थर्मामीटर. ओके नेक्स्ट वी हैव लेबोरेटरी थर्मामीटर व्हिच इज यूज्ड इन लेबोरेटरी. लेबोरेटरी में भी थर्मामीटर जरूर होता है, हम लोग लैब में भी है, कभी कभी टेम्परेचर मेजर करना होता है. ओके टेम्परेचर मेजर करना होता है, पर क्लिनिक में भी थर्मामीटर होता है चेक करने के लिए, क्लिनिकल थर्मामीटर यूज होते हैं. तो बोथ थर्मामीटर आर गिवन इन द बुक, पिक्चर दिया हुआ है कैसे रीडिंग देखते हैं ना, वहाँ पिक्चर में दिया हुआ है मार्कर कितना उठ रहा है. ठीक है वो इजी है, यू कैन सी ऑल्सो, वो पार्ट का थोड़ा देख लेना. ओके रीडिंग कैसे दिखाई देता है, लिखा भी हुआ है या फिर समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकली उसको दिखाना होगा जनरली. ओके द नेक्स्ट इज हीट. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दैट हीट मीन्स इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर लेवल एज वेल एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन साइड द बॉडी. मोर द पार्टिकल मोर विल बी द व्हाट, हीट एनर्जी. बट ना इन योर सिलेबस और योर लेवल, योर क्लास सेवन लेवल, यू जस्ट डिफाइन लाइक दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग हीट, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी. मतलब गर्म बॉडी से हीट ट्रांसफर होता है हमेशा ठंडा बॉडी में. इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीट कभी भी ठंडा बॉडी से गर्म बॉडी में ट्रांसफर नहीं होता है. ओके दिस इज इंपॉर्टेंट रूल, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू व्हाट, कूलर बॉडी. एक कप ऑफ टी रखो, अगर सराउंडिंग अगर ठंडा है तो थोड़ा देर में वो कप ऑफ टी विल बी कूल डाउन, ठंडा हो जाएगा, बिकॉज दैट विल लूज द हीट एनर्जी. ओके नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट फ्लो ऑफ हीट, हीट हाउ हीट कैन बी फ्लोड. ओके सो देयर आर थ्री मेथड, थ्री मेथड और थ्री प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन. नंबर वन इज कॉल्ड कंडक्शन. कंडक्शन जनरली टेक प्लेस इन सॉलिड बॉडी. ओके इन सॉलिड बॉडी. एंड नंबर टू इज कन्वेक्शन, दिस इज इन लिक्विड, एक्चुअली लिक्विड. एंड नंबर थ्री इज रेडिएशन. रेडिएशन टेक प्लेस इन एयर और वैक्यूम. रेडिएशन थ्री प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन. ओके कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. रेडिएशन ओके कंडक्शन जनरली कंडक्शन बेस्ड ऑन कंडक्शन प्रॉपर्टी वी हैव टू टाइप ऑफ मटेरियल. वन इज कंडक्टर एंड अदर इज इंसुलेटर. कंडक्टर एंड इंसुलेटर. इंसुलेटर लाइक वुड, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव द हीट एनर्जी, टू कैरी द हीट एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी वी नीड जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर, सिल्वर आयरन दे आर गुड कंडक्टर. ओके सो हियर कंडक्शन इज ड्यू टू इन कंडक्टर, द रीजन बिहाइंड द कंडक्शन इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन. ट्राई टू रिमेम्बर. ओके फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके कंडक्शन इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन टेक प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू व्हाट, लोअर टेम्परेचर साइड. और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन इज जनरली वी कुक्ड फूड ऑन विद द हेल्प ऑफ कुकर, विद द हेल्प ऑफ व्हाट दैट इज कॉल्ड कंटेनर. ओके कंटेनर जब हम लोग हीट करते हैं तो हीट ट्रांसफर होता है थ्रू दैट मटेरियल. ओके कुकर के अंदर हीट एंटर होता है थ्रू दैट मटेरियल ड्यू टू व्हाट, कंडक्शन प्रॉपर्टी. ओके सो नेक्स्ट वन इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन जैसे फॉर एग्जाम्पल ना वी हैव सम वाटर इन ए कंटेनर. सो यहाँ से हम लोग हीट दिया तो पहले यहाँ का मोलिकुल, वाटर मोलिकुल गर्म होगा, ये भाग जाएगा ऊपर चला जाएगा, फिर ठंडा मोलिकुल नीचे आएगा, ऐसा करके हीट का ट्रांसमिशन होगा एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड नोन एज कन्वेक्शन.
ओके, कन्वेक्शन का प्रैक्टिकल एग्जांपल है सी ब्रिज एंड लैंड, सी ब्रिज एंड व्हाट, लैंड ब्रिज। ओके, सो क्या होता है कि थोड़ा सा स्टोरी है, मैं बता देता हूँ। जैसे आपका दिन का टाइम है ना, दिन का टाइम में जो आपका सी का जो पार है वहाँ पे सेंट होता है वो बहुत गर्म होता है, तो टेम्परेचर क्या होता है बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपका एयर मोलिकुल पतला हो जाता है, ठीक है, मूव भाग जाता है, मूव हो जाता है, तो खाली हो जाता है ना, खाली होता है तो आपका उसको फिलअप करने के लिए सी से ठंडा ठंडा जो पानी है वह ठंडा मोलिकुल होगा, वाटर मॉइस्चर होगा, वो फ्लो करता है कहाँ पे, मतलब सी का पार में। तो इसको हम लोग बोलते हैं सी से जो ब्रिज आता है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सी ब्रिज, सी ब्रिज। ओके, और रात को क्या होता है, रात को जनरली आपका सी का पार्ट गर्म होता है, और यहाँ पे मतलब जहाँ पे सैंड था वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके ओके, नाइट टाइम व्हाट हैपेंड, नाइट टाइम द वाटर मीन्स द लैंड कूल डाउन फास्टर, बट द वाटर ना एरिया दैट इज कूल डाउन स्लोअर, तो टेम्परेचर लेवल ऑफ वाटर लेवल सी अबव द सी इज मोर देन लैंड एरिया। ओके, देन व्हाट हैपन, एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू व्हाट, सी, दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। डे टाइम सी ब्रिज, नाइट टाइम लैंड ब्रिज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, एयर ऑल्सो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एयर में भी हम लोग वाटर मोलिकुल है। ओके, एयर ना ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे मोलिकुल पहले गर्म हो जाएगा वो ऊपर भाग जाएगा, फिर ऊपर वाला ठंडा मोलिकुल नीचे आएगा। ओके, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस मोलिकुल मूवमेंट ऑफ मोलिकुल आर टेक प्लेस। ओके, सो जनरली कन्वेक्शन टर्म से आप मेनली लिक्विड में बोला जाता है, लेकिन इसको गैस में भी आप ले सकते हो। ओके, गैस में भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो, गैस में भी आपका वाटर वेपर होता है, वाटर मोलिकुल होता है। एंड इन रेडिएशन, रेडिएशन आप वैक्यूम में कंसिडर कर लेना, वैक्यूम रेडिएशन के लिए आपको कोई मीडियम नहीं चाहिए। ओके, मीडियम नहीं चाहिए, ओके, मीडियम नहीं चाहिए, फिर से क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे सॉलिड में होता है, ये लिक्विड एंड गैस भी कंसिडर कर सकते हो, एंड इन रेडिएशन नो मीडियम इज नीडेड। ओके, हीट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, सन से हम लोग का हीट यहाँ पे पहुंच जाता है, इसमें कोई मीडियम नहीं है, खाली है, तो इसको मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। बट रेडिएशन प्रोसेस ना, इट इज वेरी फास्टर। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हीट ट्रांसमिशन होता है विद द हेल्प ऑफ विदाउट मीडियम। सो रूम हीटर इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, रूम हीटर इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, रेडिएशन। एक जगह में हम लोग हीटर लगा रहे थे, पूरा रूम में हीट फ्लो हो जाते हैं। ओके, रूम हीटर इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, रेडिएशन। सो हीट का फ्लो होता है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट का ट्रांसमिशन होता है हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हॉट बॉडी टू कूल बॉडी, एंड हीट ट्रांसमिशन होता है थ्री प्रोसेस से, वन इज कन्वेक्शन सॉलिड में होता है, सेकेंड वन इज कन्वेक्शन लिक्विड एंड गैसेस, थर्ड वन इज रेडिएशन विदाउट मीडियम। हियर अमंग थ्री प्रोसेस द रेडिएशन इज फर्स्ट वन। ओके, कन्फ्यूजन होने से यू कैन कॉल मी। ओके, फाइन।